नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बीते दिनों महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकेश बोरा के समर्थन में तमाम महिला और दुग्ध उत्पादक उतर आए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कोतवाली सीओ कार्यालय और तहसील में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई भाजपा नेताओं और दुग्ध विकास विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों पर अध्यक्ष को झूठा फंसाने के आरोप लगाए हैं। सोमवार को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्रांगण में एकजुट होकर रैली निकाली, जिसके बाद जुलूस प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर साजिशकर्ताओं का पुतला भी दहन किया गया। इस दौरान नैनीताल जिले की धारी ब्लॉक प्रमुख आशा रानी ने कहा कि मुकेश बोरा को किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, इसलिए आज हमने प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। निर्णय पे पूरा भरोसा है और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एक दुग्ध उत्पादक जो है आज सब जो दूध उम्र की आई है, दूध उत्पाद उसकी आई है, आज से नहीं बचपन से जानते हैं, दूध बुरा जी को बचपन से जानते हैं, जब किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं था। अब आज पता नहीं क्यों हमारे किसी षड्यंत्र के तहत जो उनको फंसाया जा रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही उम्मीद है और यही गुहार लेके हम आज सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। निष्पक्ष होना चाहिए, जो भी अगर निष्पक्ष होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। 5-6 लोग हैं मीनाक्षी के ग्रोह बना करके, मीनाक्षी से ये करवाया गया है और ये कार्य करने के बाद इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहानियाँ झूठी कहानी करके कर रखा है, उनके अच्छी छवि है, तो छवि को धूमिल करने के लिए राजनीति भी और अन्य दुग्ध जो भी है कहते हैं कि आजकल राजा बन गया, ये महान हो गए, तो इनको डाउन करने के लिए किया जा रहा है। उस औरत को पैसे दिए जा रहे हैं हर तरफ से, और वो जो महिलाएं घर में घास आस काट के मेहनत करके यहाँ पर आई है और वो दूध के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उनका फंड नहीं मिल रहा। कल जो हमारे नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ के अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध एक महिला उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज हुआ है। IPC की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके क्रम में आज हमारे काफी मात्रा में जो दुग्ध उत्पादक है यहाँ पर मौजूद हुए हैं, नैनीताल के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा इसमें निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है, जिसके क्रम में उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है और रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।